हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रीजनल स्कूल्स ऑफ आर्ट। बट देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम इंडियन पेंटिंग्स पढ़ रहे हैं। हमने उसमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पढ़ा, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स पढ़ा, मुरल्स एंड मिनिएचर पेंटिंग्स पढ़ा, मुगल इराक की फेमस पेंटिंग्स वहाँ के पेंटर्स पढ़े। आज हम रीजनल यानी क्षेत्रीय यानी लोकल लेवल पे जो आर्ट स्कूल्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी मेनली हम एक ही पढ़ेंगे, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रूव होंगे। एंड चलिए अपन चलते हैं डायरेक्टली मेन कंटेंट की ओर। राजस्थान एक स्टेट है, तो वहाँ पे जो आर्ट स्कूल डेवलप हुआ उसे कहते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब आप देखेंगे तो एरिया वाइज काफ़ी बड़ी स्टेट है राजस्थान, तो उसके अंदर भी काफ़ी सब आर्ट स्कूल्स जो हैं वो डेवलप हुए, जैसे कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, किशनगढ़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल है, अंबेर जयपुर स्कूल है। तो हर एक, ये टोटल पाँच है, हर एक के बारे में एक या दो पॉइंट से जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो हम वो डिस्कस करेंगे। वीडियो हार्डली 5 मिनट्स का होगा, तो आप बस वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। नाउ, सबसे पहला स्कूल ऑफ पेंटिंग या स्कूल ऑफ आर्ट है मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट और मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मोस्ट पेंटिंग्स यहां पे जो आपको मिलेंगी मेवाड़ स्कूल के अंडर, दे डिपिक्ट द कोर्ट लाइफ इन मेवाड़। मेवाड़ में दरबारियों की जिंदगी कैसी थी, राज दरबार कैसा था, उसको वो ज्यादा डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको समझने वाली है कि जो मुगल्स थे ना, जब औरंगजेब आए तो उन्होंने पेंटिंग्स को कमीशन नहीं किया, पेंटिंग्स को पैटर्नाइज नहीं किया, जिसकी वजह से मुगल्स के अंडर तो जो पेंटिंग का काल था एक तरह से डिक्लाइन हो गया औरंगजेब के आने से। लेकिन अब पेंटर्स को तो सिर्फ पेंटिंग आती है, वो कोई और काम तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगहों पे माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ राजस्थान की तरफ। तो यहाँ पे जो स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, स्कूल ऑफ आर्ट हैं, इनमें आपको मुगल स्टाइल हर एक में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। मुगलों में भी क्या है, भगवान को धर्म को नहीं ग्लोरीफाई करते थे पेंटिंग्स में, सिर्फ शासक को करते थे और शासक की जिंदगी, शासक का दरबार। ठीक है, वही चीज़ आपको मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में देखने को मिल रही है। यहाँ भी तो कोर्ट लाइफ को जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है ना। नाउ, यूनिक पेंटिंग्स मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट की है तमाशा पेंटिंग्स। तो तमाशा किसकी है, मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट की, जो कि कहाँ का है, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, नाउ ये पेंटिंग्स क्या बताती हैं, दे शो कोर्ट सेरेमोनियल एंड सिटी लाइफ, दरबारियों की जिंदगी कैसी है, शहरों की लाइफ कैसी है, वो सब ये तमाशा पेंटिंग्स बताती है। तो तमाशा, मेवाड़ स्कूल एंड कोर्ट लाइफ याद रखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट जो पेंटिंग आती है वो है किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। किशनगढ़ भी एक जगह है राजस्थान में, तो उसके अराउंड वहाँ पे जो पेंटिंग्स डेवलप हुई इन्हें नाम दे दिया गया किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब यहाँ पे एक रोमांटिक लेजेंड थे सावंत सिंह एंड हिज बिलव्ड बानी थानी, तो इनके ऊपर जो है पेंटिंग्स बनती थी किशनगढ़ स्कूल ऑफ में आर्ट में। जो पेंटिंग्स थी वो रोमांस और भक्ति दो चीज़ों पे थी। रोमांस हो गया सावंत सिंह और बानी थानी का, और भक्ति हो गई राधा और कृष्ण की। तो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में ये दो बॉक्स मैंने बनाया, बस ये याद रखने, रोमांस एंड भक्ति। रोमांस किसका, सावंत सिंह बानी थानी, भक्ति किसकी, राधा और कृष्ण की। राधा की जो भक्ति थी कृष्ण के लिए, है ना, क्योंकि शादी तो नहीं हुई थी, विवाह तो उनका रुक्मणी से हुआ था, लेकिन फिर भी हम राधा कृष्ण बोलते हैं, हम कभी रुक्मणी कृष्ण बोलते हैं नहीं, है ना। तो ये दो हो गए आपका रोमांस एंड भक्ति। नाउ, मोस्ट फेमस पेंटर किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का कौन था, निहाल चंद। और जो ये बानी थानी है ना, इन्हें रिजेंबल किया जाता है विद द करेक्टर ऑफ राधा। तो रोमांस एंड भक्ति, निहाल चंद, दैट्स इट। और कुछ याद नहीं रखना, वो तो आपके दिमाग में फिर रोमांस किसका है, भक्ति किसकी है, खुद ही आ जाएगा। ठीक है, नाउ मेवाड़ एंड किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग दो हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। तो बूंदी क्या है, एक्चुअल में ये किंगडम है, एक किंगडम का नाम है। ठीक है, सो दो किंगडम थे, बूंदी एंड कोटा, इनको मिलाकर बोलते हैं हादोटी। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है। ऑफ टू ब्रदर्स, अब दो भाई थे उनका, ये दोनों था कोटा, ये कोचिंग के लिए फेमस है, और बूंदी जो हम स्कूल ऑफ पेंटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दो सके भाइयों का था, बोथ डिवोटीज ऑफ कृष्णा, दोनों ही जो है कृष्ण भक्त थे। तो अब दोनों ही कृष्ण भक्त थे, तो थीम क्या रहेगा, कृष्णा भक्ति पेंटिंग्स में। एंड कलर ऑफ स्काई इज पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है जो बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग की आपको मिलेगी, कि यहाँ पे आसमान का रंग जो है नेचुरल स्काई ब्लू नहीं दिखाया जाता था, अलग अलग कलर किया जाता था आसमान में। एंड मोस्टली अ रेड रिबन इज विजिबल इन द स्काई, आसमान में रेड कलर का रिबन जो है वो देखने को मिलता था। ठीक है, ये हो गया बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब देखते हैं मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में जयपुर एंड बीकानेर, इन दोनों का इन्फ्लुएंस आता है, ये दोनों आते हैं। ठीक है, फोकस इनका किस चीज़ पे, किस तरह के पेंटिंग्स पे रहता था,
पंचतंत्र हो गया, शिव पुराण हो गया, नट चरित्र हो गया, दुर्गा चरित्र हो गया, इनके ऊपर। ठीक है, नाउ आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं। अब हमारा आज का लास्ट जो सब आर्ट स्कूल है यानी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के अंडर जो आता है फिफ्थ, वो है अंबेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो जयपुर का कुछ पार्ट मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में आता है, जयपुर का कुछ पार्ट जो है वो अंबेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग में आता है। नाउ दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मुगल्स, मुगलों का बहुत इन्फ्लुएंस रहा, मुगल पेंटर्स यहाँ पे आए ना तो मुगलों से काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है। रीच्ड इट्स जीनिथ इन द पीरियड ऑफ सवाई प्रताप सिंह, बिल्कुल टॉप पे पहुंचा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। सूरत खाना इन्होंने बनाया था जिसे कि द डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग्स भी कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारा आज का कंटेंट हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी एंड आप लोग आर्ट एंड कल्चर के नोट्स पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये चीज भी बताएं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपने वीडियो के साथ में नोट्स बनाए हैं। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।